Namaste friends, this is Geetu Nilpuri from Divine Touch from Pune. आज मैं जून महीना आपका कैसे जाएगा वो आपको बताने वाली हूँ. जून 2018 कन्या राशि वालों का आपका करियर कैसे रहेगा. आपके थॉट्स अगर बहुत नेगेटिव हैं पास्ट में तो आपको उनको इमीडिएट पॉजिटिव करना है. और आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके करियर में आपका खुद का मन है, आपके खुद के थॉट्स हैं. सो प्लीज आपके थॉट्स को पॉजिटिव कीजिए बिकॉज थॉट्स से ही चीजें बनती हैं. आप जो सोचेंगे वही होता है. आप पॉजिटिव सोचिए तो पॉजिटिव होगा. आप कार्ड्स दिखा रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं जबकि चीजें आपके अकॉर्डिंग हो रही हैं, बट मे बी आप किसी चीज के लिए स्कैर है. और पास्ट में जो भी फिनेंशियल डील्स आपके पास आए वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देके आप फ्रेश डील्स पे ध्यान दीजिए. नया पैसा आने का अच्छा चांस है. आपको रिलेशनशिप को पॉजिटिव करने के लिए या अगर आप अनमैरिड हैं मैरिज के लिए कहीं आपको विजिट करना पड़ता है तो एडवाइस है कि जल्द से जल्द विजिट कीजिए या आपके फ्रेंड को आपके शहर में बुलाइए. मैरिड लोगों के लिए भी अगर साथ में अगर आप घूमने जाते हो तो आपका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा. और हेल्थ के लिए आप थोड़ा सा ब्रेक ले लें आपके रेगुलर रूटीन से, थोड़ा सा रेस्ट करें. अगर आप सब कुछ सब काम खुद करते हैं तो एटलीस्ट फॉर जून मंथ हैव 2-3 असिस्टेंट्स विद यू, लेट देम वर्क एंड आप थोड़ा सा रेस्ट करें तो आपके लिए अच्छा है. कुछ नया कुछ लर्न करें टू रिफ्रेश योर माइंड, उसका भी एडवाइस आपको टैरो दे रहा है. स्पिरिचुअलिटी में आपको एडवाइस है कि जल्द से जल्द कुछ लर्न करना शुरू कीजिए और एक नया नए फेस में जाइए स्पिरिचुअलिटी के. यू कैन लर्न रेकी, आप योगा लर्न कर सकते हैं, मेडिटेशन लर्न कर सकते हैं और ओवरऑल आप बहुत कुछ कर सकते हैं आपके इमोशनल लाइफ के लिए. आप आपके करियर का फिनेंस का ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेके अपने इमोशंस के लिए जून महीना रखिए. एंड आपके लिए एक एंजल मैसेज है. स्ट्रेस मैनेजमेंट देखिए इसी से कनेक्टेड है. आप टू मच स्ट्रेस ले रहे हैं आपके करियर को लेके. टैरो बताया करियर के लिए नेगेटिव कार्ड है, फाइनेंस के लिए नेगेटिव कार्ड है. आप टू मच पास्ट से स्ट्रेस ले रहे हैं. उसके बाद हेल्थ के लिए हमें टैरो एडवाइस दिया कि यू शुड टेक रेस्ट. तो वही है एंजल कार्ड मैसेज दैट स्ट्रेस मैनेजमेंट. काम को छोड़कर थोड़ा अपने इमोशंस के लिए आपको जीना है ताकि आपका स्ट्रेस कम हो जाए. और एडवाइस है कि आपको इच्छा है कुछ अलग करने की पर आप कर नहीं रहे हैं तो आपको तुरंत 1 जून से ही पूरा जून मंथ अगर आप छुट्टी लेके भी कुछ एक्स्ट्रा कुछ अलग करते हैं सो प्लीज डू इट, डोंट वेट फॉर टुमारो. थैंक यू.